और इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज दिल्ली में सुबह 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। केंद्रीय कैबिनेट में मौन रखकर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पर्रिकर की अंत्येष्टि में पीएम मोदी के शामिल होने की भी उम्मीद है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मौन रखकर मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पर्रिकर की अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में सुबह 10 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और इस कैबिनेट की बैठक में मौन रखकर मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पर्रिकर की अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन कल देर शाम हो गया, जिसके बाद देश भर में शोक की लहर है। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्रों में थे और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ था और कुछ मूल्यों के प्रति वो पूरे जीवन भर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं और एक फर्म कन्विक्शन के एक ऐसे नेता थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में उनकी एक मान्यता थी। और देखा होगा कि जीवन के अंतिम क्षणों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की। मनोहर पर्रिकर का निधन देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरी संवेदना है, ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। आईआईटी मुंबई के एक बहुत ही प्रभावी ग्रेजुएट इंजीनियर, विचारधारा के प्रति समर्पित, बहुत ही योग्य प्रशासक, कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। मनोहर पर्रिकर का देहांत हुआ है, उससे हमको बहुत दुख है। वो किसी भी पार्टी में रहने दो, वो एक अच्छे व्यक्ति थे और अपनी एक छाप गोवा में रखे थे और वो डिफेंस मिनिस्टर के नाते भी बहुत अपने विचार अलग रखे। मनोहर पर्रिकर जी की अचानक और बेवकत मौत से बहुत सदमा पहुंचा। मनोहर पर्रिकर जी को मैं कई दशकों से जानता था, जब वो पहले भी चीफ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी जब वो पहले चीफ मिनिस्टर नहीं थे और उसके बाद जब वो पार्लियामेंट में आए। शरीफ आदमी थे, चाहे वो दूसरी विचारधारा के थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे थे। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।